उत्तर प्रदेश के बांदा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक पति ने अवैध संबंधों के शक में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पति ने पहले तो फरसे से अपनी पत्नी की गर्दन काट दी, फिर कटे सिर को लेकर बाजार से होता हुआ करीब 2 किलोमीटर दूर थाने जा पहुंचा। मामला बबेरू थाना क्षेत्र के ग्रामीण मोहल्ले नेतानगर का है। यहां रहने वाले किन्नर नाम के व्यक्ति को अपनी पत्नी विमला पर अवैध संबंधों का शक था, जिसकी आज सुबह लगभग 6 बजे उसने फरसे से गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना में एक व्यक्ति भी घायल हुआ है, जिसे महिला का प्रेमी बताया जा रहा है। अपर SP महेंद्र चौहान ने बताया कि आरोपी कटा सिर लेकर खुद बबेरू थाने पहुंचा और बोला कि मैंने अपनी पत्नी का सिर काट दिया है, मैंने उसे मार डाला, मुझे गिरफ्तार कर लो। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महिला का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और घायल प्रेमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि खून से लथपथ, पीली टी-शर्ट, काला लोअर और बाएं हाथ में कटा सिर पकड़े जब कातिल पति बबेरू कस्बे के बाजार से होते हुए थाने की ओर बढ़ा जा रहा था, तो राहगीरों में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। अपर SP ने बताया कि मामले में हत्या की FIR दर्ज कर ली गई है। आरोपी पुलिस हिरासत में है। महिला के कटे सिर को शेष बॉडी के साथ सील कर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और घायल प्रेमी का इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी ओर घटना के बारे में सुनकर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और मौके पर पुलिस बल तैनात है। तो फिर क्या किया है उन्होंने? घटना है, हमारी भतीजी है। अब भतीजी, अब हमें सुबह 6 बजे फोन पता चला है कि मुंड काट लिया। किसने काट लिया है मुंड? उसी का आदमी ने। अच्छा, क्या नाम था भतीजी के आपके? किन्नर विमला हमारी भतीजी का नाम। अच्छा, उनके पति का क्या नाम था? किन्नर। क्या घटना हुई थी? घटना यही कि मतलब हम पति ने पत्नी का मुंह काट लिया। कोई रंजिश वगैरह पहले की थी? रंजिश एक भैंस की थी, मान लिया इन्हीं से लड़ाई होती थी और बाकी हमारी रंजिश कोई नहीं थी। जी, फिर क्या हुआ है? आज उनको मार दिया, कल शाम के बाहर से आए शायद। जहाँ हम खड़े हैं, ये सामने उसका घर है। विमला नाम है इस लड़की का, इसके पति का नाम है किन्नर। बगल का घर उसका है जो बंटा नाम का नाई है। बंटा नाम के नाई के ऊपर पहले भी कई लड़कियों को भगाने का आरोप है। हमको जो ये जानकारी मिली, अब अवैध संबंधों के चलते ये घटना घटी है। सुबह सुबह 6:30 बजे की घटना है। उसने किन्नर ने इसको बंटा को घर से बुलाया है, बंटा को घर से बुला करके बंटा के ऊपर वार किया है, तो महिला आकर के बचाने को उसको आई है विमला। और विमला जब बचाने आई है तो फिर उसके ऊपर यहाँ गिरा करके वार किया। पहले वो अपने घर के भीतर भागी है, फिर घर के भीतर भी वार किया, तो वहाँ से भाग करके वो अपने बुआ के घर पे गई है। बुआ के घर में कमरे में घुस गई है, तो कमरे में भी उसके ऊपर वार किया है। और जब पूरी तौर से उसकी गर्दन नहीं कट पाई तो उस पूरी महिला को घसीट करके बाहर बरामदे में लाया है और बरामदे में उसे फरसे से उसकी गर्दन काटी है। ये है रेडी। ठीक सर। आज बबेरू कस्बे में एक किन्नर यादव नाम के व्यक्ति अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी का हत्या करके उसका कटा हुआ सर लेकर के सुबह करीब 8:30 बजे थाना बबेरू पहुँचा और उससे पूछताछ पर जानकारी हुई कि उसका अपने बगल का पड़ोसी रविकांत नाम का एक व्यक्ति है, उससे उसके पत्नी के अवैध संबंध है, जिसके शक में उसने अपने पत्नी की हत्या की है और उसने रविकांत पर भी खुरपी से पर वार किया है और उसको अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में थाने पर जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। G
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.